हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे भाई आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बिल्कुल ठीक, स्वस्थ, मस्त और तंदुरुस्त होंगे और पूरे जोर जोर से अपनी तैयारी में जुटे हुए होंगे। तो मैं रोहित कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ आपके अपने प्रिय चैनल रिजल्ट गुरु में। ठीक है, और सभी बच्चे जो भी इस चैनल पर जुड़े हैं पहली बार, एक बार सेशन को शेयर कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन के बटन को दबाएंगे, क्योंकि उसको दबाना भूल जाते हैं तो अब तक कोई भी नोटिफिकेशन नहीं पहुँच पाती। बिना देरी किए, बिना समय गवाए हम अपने इस प्रश्नों की सीरीज को आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71 लास्ट सीरीज में हमने 70 तक कर लिया था। सरल आवर्त गति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक प्रतिबंध सही है? सरल आवर्त गति मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM के लिए कौन सा कंडीशन इसमें से सही है? SHM के लिए, तो SHM के लिए कौन सा कंडीशन सही है उस चीज को चलिए हम देखते हैं। पहला, अचर आवर्त काल एक समान त्वरण विस्थापन व त्वरण समानुपाती, ये बिल्कुल सही है। विस्थापन जो होता है और त्वरण जो होता है, विस्थापन का मतलब डिस्प्लेसमेंट और एक्सीलेशन यानी त्वरण, ये दोनों एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, ये बिल्कुल सही और राइट आंसर है। ठीक है, तो नेक्स्ट है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित चार कणों पर विचार कीजिए, इन पर उनके विमान द्रव्यमान को बढ़ते क्रम में लगाएं, इनको द्रव्यमान के अनुसार बढ़ते क्रम है। तो आपको पता है कि प्रोटॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, अल्फा कण, इन सभी का मास कितने ज्यादा होता है? तो सबसे हल्का इलेक्ट्रॉन होता है। सबसे हल्का कौन होता है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन से भारी कौन होता है? प्रोटॉन। और प्रोटॉन के बाद क्या आएगा? न्यूट्रॉन। और इन सभी में सबसे भारी कौन है? अल्फा पार्टिकल। तो 3, 2, 4, 1, 3, 2, 4, 1 कौन से ऑप्शन में नजर आ रहा है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल राइट और सही जवाब है। ध्वनि अपेक्षाकृत अधिक वेग से चलती है जब, ध्वनि तेजी से कब चलेगी? जब माध्यम के दाब में कमी हो जाती है, माध्यम के तापमान में वृद्धि हो जाती है, माध्यम में नमी हो जाती है। तो माध्यम के तापमान में वृद्धि होने पर भी ध्वनि में वृद्धि हो जाएगी और माध्यम में नमी होने पर भी वृद्धि हो जाएगी। मैं आपको बता दूं कि द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टी फॉर टेम्परेचर, बट दिस फार्मूला इज ओनली एप्लीकेबल फॉर गैस। मतलब गैसों में तापमान बढ़ा दो तो साउंड की स्पीड बढ़ जाएगी। और हमें ये भी पता है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर साउंड की स्पीड 332 मीटर पर सेकेंड होती है और हर 1 डिग्री सेल्सियस पर एयर में साउंड की स्पीड 0.61 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज हो जाती है। तो यदि मैं आप लोगों से बोलूं कि इसका एक्चुअल फार्मूला कैसे निकालेंगे, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड, सबसे कम साउंड की स्पीड 332 तो रहेगी, जितना आपको टेम्परेचर दिया गया है उस टेम्परेचर को मल्टीप्लाई कर देना है 0.61 से, तब आपका आंसर निकल जाएगा कि एक्चुअल में कि किस टेम्परेचर पर साउंड की स्पीड कितनी होगी। तो किसी तापमान पर साउंड की स्पीड को आप कैलकुलेट कर सकते हो इस फार्मूले से। तो अब आपको याद रखना कि तापमान बढ़ाओगे तो जब साउंड की स्पीड बढ़ेगी और नमी बढ़ेगी तो साउंड की स्पीड भी बढ़ेगी। तो ऑप्शन डी सही होगा, बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब प्रकाश किरण समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो आपतित और परावर्तित किरणों के बीच का सेमान, अब देखो ये एक प्लेन मिरर है और प्लेन मिरर पर कोई प्रकाश की किरण जो गिर रही है वो कैसे गिर रही है? बिल्कुल परपेंडिकुलर। अब यदि परपेंडिकुलर गिर रही है तो याद रखना जिस डायरेक्शन से वो आएगा उसी डायरेक्शन से वो वापिस जाएगा भी। तो इनके बीच में एंगल कितने का बना? सर कोई एंगल नहीं बना, 0 डिग्री का एंगल बन गया। कितने डिग्री का? 0 डिग्री का एंगल बन चुका है। कितने डिग्री का बन चुका है? 0 डिग्री का। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? कहाँ है 0 डिग्री? ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, 0 डिग्री। और ऐसे केस में जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो रिफ्रैक्शन भी नहीं होता है, लाइट बिल्कुल सीधा पार हो जाता है, उसके अंदर लाइट में डेविएशन भी नहीं आएगा। डेविएशन तब आता है जब वो 90 डिग्री के एंगल से एडजस्ट नहीं कर पाता। नीचे दिए गए कांच के चार लेंसों में से कौन सा एक अपसारी लेंस है जो प्रकाश की किरणों को फैलाएगा, डाइवर्ज करेगा? क्या करेगा? डाइवर्ज करेगा। तो एक तो हमारा ये कनकेव हो सकता था लेकिन ये कनकेव नहीं है, ये भी कन्वेक्स है।
ये भी है, ये हमारा कनकेव है, ये है हमारा डाइवर्जिंग लेंस, जो लेंस को क्या कर सकता है, जो लाइट को क्या कर सकता है, डाइवर्ज कर सकता है। अगला क्वेश्चन चुंबक से रिलेटेड है कि एक दंड चुंबक का चुंबकत्व है नष्ट किया जा सकता है क्या करके, उसे चुंबकीय चुंबकीय याम्योत्तर में रख दिया जाए तो उसका चुंबकत्व नष्ट हो जाए। गलत। उसे पृथ्वी के क्षितिज तीव्रता के विपरीत दिशा में रखा जाए। आपको पता है कि पृथ्वी जो है वो एक मैग्नेटिज्म जनरेट करती है, उसके विपरीत दिशा में रखें तो उसका मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगा। बिल्कुल सही। उसे क्यूरी तापमान पर गर्म करके, क्यूरी तापमान इज द सच टेम्परेचर वेयर ऑल द मैग्नेट लूज देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, तो इसका मतलब ये भी सही है। तो दो और तीन हमारा बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समांतर पट्टिका संधारित्र की क्षमता दोगुनी की जा सकती है यदि उसमें क्या करें कि दोगुनी कर दी जाए। तो संधारित्र की पट्टिकानों की क्षमता किस पर डिपेंड करती है, एप्सिलन नॉट और उसका एरिया अपॉन में डिस्टेंस पर डिपेंड करती है। तो देखते हैं ये क्या कह रहा है कि समानुका प्रणय दोगुनी की जाती है यदि उसकी क्षमता, पट्टिका की क्षमता दोगुनी की जा सकती है, मतलब इस संधारित्र की क्षमता को हमें दोगुना करना है। क्या करके हम दोगुना कर सकते हैं, एक तो एरिया को डबल कर दिए, एरिया को टू टाइम करके दोगुना करके, और दूसरा उसके डिस्टेंस को आधा करके, डिस्टेंस को हाफ करके, डिस्टेंस को हाफ करके, देखते हैं उसके प्लेटों के क्षेत्रफल को दोगुना कर दिया जाए। बिल्कुल सही। उसके प्लेटों के बीच पृथक्करण की दूरी को दोगुना कर दे, ये गलत। उसके प्लेटों के बीच पृथक्करण की दूरी को मिल पृथक्करण की आधी कर दी जाए। बिल्कुल सही। उसकी प्लेटों के क्षेत्रफल और उसके बीच पृथक्करण की दूरी दोनों को दोगुना कर दिया जाए। ये कह रहा है प्लेटों के क्षेत्रफल और उसके बीच पृथक्करण की दूरी दोनों को दोगुना कर दे, नहीं बटे। तो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन वन एंड थ्री, बी विल बी द राइट आंसर, वन एंड थ्री, बी विल बी द राइट आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 78, ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन है। कहता है कि एक सूखी किशमिश को विशुद्ध जल में डाला जाए तो वह फूल जाती है। अब जल में डालते हैं तो किशमिश जो इतना छोटा होगा वो फूल कर इतना बड़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस किशमिश के अंदर पानी जा चुका है। क्या जा चुका है इसके अंदर? पानी जा चुका है, जो इसके अंदर स्वेलिंग आ जाती है और स्वेलिंग आने पर इसका साइज जो है वो बड़ा हो जाता है। लेकिन कहता है कि यदि वह पुनः लवण विलयन में डाली जाए, यदि किसी सॉल्टेड सॉल्यूशन के अंदर डाला जाए तो फिर क्या होगा, वो सिकुड़ जाएगा। वो इसलिए सिकुड़ जाएगा क्योंकि मैं आपको एक बात बता दूं, उसका जो सॉल्यूशन उसके अंदर जैसे हम डालेंगे तो वो सिकुड़ इसलिए जाएगा बच्चे, क्योंकि वो सॉल्टी वाटर होगा तो उसका पानी जो होगा बाहर के सरफेस पर होगा, उसका पानी जो आ जाएगा वो बाहर निकल जाएगा, पानी बाहर निकल जाएगा तो वो सिकुड़ जाएगा। तो फिर वो क्या हो जाएगा, तो फिर वो सिकुड़ जाएगा। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 79 कि वायु में रखे गए समान लंबाई और समान आयतन के धातु के तार के दो टुकड़ों के प्रतिरोध भिन्न है, तो दोनों तारों के बीच क्या होगा अनुपात। अब आपको पता है वायु में रखे गए समान लंबाई के समान आयतन के धातु के तार के दो टुकड़ों के प्रतिरोध भिन्न है, यदि दोनों का रेसिस्टेंस भिन्न है तो दोनों तार क्या होंगे, अनुप्रस्थ काश का क्षेत्रफल भिन्न होगा, तापमान भिन्न होगा, पदार्थ ही भिन्न होगा, मतलब उनका रो जो रेसिस्टिविटी होगी, मतलब उनका नेचर अलग होगा, नेचर इज सेपरेट, नेचर उनका क्या होगा, अलग होगा। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, एक तापक कुंडली को दो समान हिस्सों में काटकर तब उत्पन्न किया जाए, उसमें सिर्फ एक हिस्से को तापक में इस्तेमाल किया जाए। ये कह रहा है कि मान लो कि एक ये तार है, इसको काट के बीच में से आधा इधर आ गया और आधा इधर आ गया, तो बाय कटिंग तो सिर्फ एक हिस्से को तापक में इस्तेमाल किया जाए। यदि एक हिस्से का तापक में इस्तेमाल किया जाता है, कौन से हिस्से का, एक हिस्से का यदि तापक में इस्तेमाल किया जाए तो फिर क्या होगा, तो आपको पता है कि हीट जो होगा
उसकी लंबाई के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो कह रहा है कि एक हिस्सा उसका लंबाई कितना हो गया, आधा। लंबाई कितना हो गया, लंबाई हो गया है आधा। तो हीट कितना हो जाएगा, दो गुना। हीट कितना हो जाएगा, दो गुना, टू टाइम्स। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 81, खोखली धातु की बॉल जिसमें विद्युत आवेश किन बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र उत्पादित नहीं करती। तो ये खोखला विद्युत आवेश है। अब आपको पता है कि गोले के बाहर, गोले के अंदर, तो ये आपको पता है कि बाहर सरफेस पर तो चार्ज होता है, लेकिन गोले के अंदर चार्ज इनसाइड कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता। नो चार्ज इज प्रोड्यूस। तो गोले के अंदर चार्ज नहीं होता, बाकी गोले के बाहर चार्ज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, एक व्यक्ति अपनी बाहें बाहर की ओर फैलाए घूर्णन करते हुए स्टॉल पर बैठा है, यदि वह अचानक अपनी बाहों को मोड़ देता है तो व्यक्ति का कोणीय वेग क्या होगा। कोणीय वेग का मतलब है एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू एम वी आर। अब आपको पता है आई इज इक्वल टू एम आर का स्क्वायर। यदि वो आर को बढ़ा देता है, अब वो कहता है कि जब वो बाहों को वो फैला करके रखा था तो उसकी वेलोसिटी कम थी, जब बाहों को घटा देगा तो याद रखना उसका एंगुलर मोमेंटम, जो एंगुलर जो वेलोसिटी होगी वो घट जाएगी। एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, वो घट जाएगी। उसका कोणीय वेग जो होगा वो कोणीय, ये कह रहा है ना, एक व्यक्ति अपनी बाहें बाहर की ओर फैलाए घूर्णन करते हुए स्टॉल पर बैठा है, यदि वह अचानक से अपनी बाहों को मोड़ देता है तो व्यक्ति का कोणीय वेग बढ़ जाएगा, घटेगा नहीं, कोणीय वेग बढ़ जाएगा। अब सिंपल सी बात खुद प्रैक्टिकल करके देखो भाई, किसी भी जगह पर आप खड़े हो और यदि अपने हाथों को फैला करके आप घूमते हो तो आपकी स्पीड घटेगी, लेकिन हाथों को यदि आप अंदर की ओर बंद करके आप घूमते हो तो आपकी जो एंगुलर वेलोसिटी होगी वो बढ़ जाएगी, घटेगी नहीं, वो बढ़ जाएगी। अगला क्वेश्चन नंबर 83, वृत्त पथ में परिक्रमण करते हुए कर्ण का त्वरण, यदि ये कोई एंगल, ये कोई सर्कल है, इस पर कोई भी बॉडी यदि भाग रहा है तो ये कह रहा है कि इसके अंदर एक्सीलेशन जो होता है, एक्सीलेशन याद रखना सेंटर की ओर होता है, त्रिज्या के अनुदिश, किसके तीस, त्रिज्या के अनुदिश सेंटर की तरफ, सेंटर की तरफ होता है, क्योंकि आपको पता है यहाँ से एक फोर्स लगता है, यहाँ से एक फोर्स लगता है, जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में होगा, फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सीलेशन, तो एक्सीलेशन जो है वो फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, तो एक्सीलेशन इस साइड होगा, इसलिए सेंटर से फोर्स लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, अभी केंद्रीय बल। अगला क्वेश्चन नंबर 84, द्रव्यमान एम का सर्कस कलाकार नीचे दिए गए चित्र में दिखाए गए अनुसार एक तार के अनुदिश चल रहा है, तो तार में तनाव टी कितना होगा। ये कह रहा है कि मान लो कि कोई एक तार है, इस तार के ऊपर कोई एक बैठा हुआ लड़का, तो ये तार कहाँ चले जाता है, नीचे की ओर झुक जाता है, तार कहाँ झुक जाता है, नीचे की ओर। तो आपको पता है तार यदि नीचे की ओर झुक रहा है तो नीचे की तरफ जो mg लग रहा होगा, वेट लग रहा होगा, और ऊपर की तरफ क्या लग रहा होगा, टेंशन लग रहा होगा। तो एक बात बताओ, यदि ये नीचे जा रहा है तो आपको पता है कि नीचे वाला भाग ज़्यादा होगा, ऊपर वाला भाग कम होगा, तो टेंशन जो होगा वो तार में वो इससे कम होगा, mg से क्या होगा, कम होगा, किससे कम होगा, नीचे वाले से कम होगा, नीचे कितना है mg, तो उससे कम होगा। सूर्य निरंतर ऊर्जा का विकिरण करता है और तब भी उसके पृष्ठ का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस पर ही, 600 नहीं, ये 6000 है, 6000 डिग्री सेल्सियस पर लगभग स्थिर रहता है। सूर्य के तापमान की स्थिरता का कारण क्या है, उसके तापमान की स्थिरता का कारण है सूरज के अंदर घटने वाली लगातार संलयन का होना, किसका, न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन का लगातार होते रहना। इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन के दो आइसोटोप एक दूसरे से मिल करके और लगातार एक नए गैस का निर्माण करते रहते हैं, 2He4 प्लस में बहुत सारी मात्रा में हीट को निकालते हैं, इसको बोला जाता है न्यूक्लियर फ्यूजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, एक पिंड पृथ्वी के धरातल पर विराम अवस्था में है, उसके संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही होगा। कह रहे एक पिंड पृथ्वी के धरातल पर विराम अवस्था में, ये पृथ्वी है और यहाँ पर कोई बॉडी जो है वो बिल्कुल कौन सी अवस्था में है, तो याद रखना विराम अवस्था में, रेस्ट में बना हुआ है। अब ये कहता है कि इनमें से पिंड पर कोई बल क्रियाशील नहीं है, नहीं भाई, यदि ये विराम अवस्था में तो पिंड पर नीचे की तरफ एक बल काम कर रहा होगा mg, और ऊपर की तरफ भी एक बल काम कर रहा होगा जिसे हम नॉर्मल फोर्स बोलते हैं। पिंड का भार मात्रा उस पर क्रियाशील है,
निवल अधोमुखी बल निवल ऊपरी मुखी बल के बराबर। बिल्कुल सही, एन जो है वो एम जी के बराबर है, एन जो है वो एम जी के बराबर है, इसलिए तो वो बैलेंस है। क्वेश्चन नंबर 87, एक लोलक मानक लोलक से तीव्र गति से विस्पंदन करता है। एक कोई सरल लोलक है जो किसी भी नॉर्मल लोलक से तीव्र गति से स्पंदन करता है, तो बताओ कि उसका मानक स्पंदन तक लाने के लिए, मतलब यदि वो तेजी से चल रहा है तो उसकी गति को मंद करना है, तो मंद करने के लिए क्या होगा? आपको पता है मंद का मतलब स्लो करना है। यदि स्लो करने के लिए किसी भी सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड को यदि कम करना है, टाइम पीरियड को क्या करना है, कम कर, विस्पंदन तक लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, कम की जानी है, कम की जानी है, क्या करनी जानी है, कम की जानी है। द्रव्यमान से कोई इफेक्ट नहीं आता। निम्नलिखित में से कौन सा 1 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड पर कार्यशील पृथ्वी के गुरुत्व बल का सही मान है? अब आपको बताएं कि 1 किलोग्राम तो आपने बताया है उसका मास, और इसको ऊपर लग रहा होगा ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, तो उसके ऊपर जो वेट बनेगा वही तो उसके ऊपर नीचे की ओर फोर्स लगेगा, हो जाएगा एम इंटू में जी, एम ए 9.8 इंटू में 1, तो आ गया 9.8 न्यूटन। कितना आ गया? 9.8 न्यूटन। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, एक उदासीन अपरिवर्तित धातु गोलक अचुंबकीय रज्जु का प्रयोग कर निलंबित किया गया है। एक धनात्मक आवेशित रोधक दंड एक गोलक के निकट स्थित है किया गया है, जो दंड से आकर्षित होता है, प्रक्षेपित किया जाता है, ऐसा क्यों होता है? बताइए भाई, ऐसा क्यों होता है? कह रहा ध्यान से देखो, अ न्यूट्रल अनचार्ज मेटल बॉल इज सस्पेंडेड यूजिंग अ नॉन मेट मैग्नेटिक स्ट्रिंग। अ पॉजिटिवली चार्ज बार इज प्लेस नियर द स्फीयर वेयर इज ऑब्जर्व द अट्रैक्ट बाई द बार, वाई डज द हैपन्स। अब कह रहा है कि भाई कि ये कोई मान लो कोई बॉल है, धातु का गोला है, जो उदासीन है, जो कैसा है, न्यूट्रल है, लेकिन याद रखना यदि इसको जब हम किसी धनावेतिक के नजदीक ले जाते हैं, मान लो कि एक और कोई दूसरा गोला है और दूसरे गोले के ऊपर कैसा चार्ज है, इसके ऊपर धन चार्ज है, तो ये इसकी तरफ क्या होता है, अट्रैक्ट हो जाता है। क्यों अट्रैक्ट इसलिए हो रहा है, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ चुका होगा। अब बिना नेगेटिव चार्ज के तो वो अट्रैक्ट हो ही नहीं सकता, तो गोलक में इलेक्ट्रॉन का पुनर्विन्यास हो गया होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पिंड का संवेग कितना होता है? तो एक पिंड का संवेग एक सदिश राशि है। एक पिंड का जो संवेग है, संवेग का मतलब मोमेंटम, मोमेंटम क्या सदिश राशि है, बिल्कुल सही। एक पृथक्कृत तंत्र में संरक्षित राशि है, बिल्कुल सही। रैखिक गति के बल के समान है, ये भी सही है, तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। चलिए बच्चों, इस सेशन को यहीं पर विराम करते हैं। इसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट सेशन हम कर लेंगे, जो 91 से लेकर के क्वेश्चन हमारे आगे तक होंगे, और उन सभी चीज़ों को बिल्कुल अच्छे तरीके से हम डील करेंगे। फिर मैं आप सभी बच्चों को बताता हूँ, यदि आप सभी बच्चों को इन प्रश्नों में कहीं भी किसी से कोई डिफिकल्टी है, तो आप ऑफलाइन के माध्यम से उन क्वेश्चनों को जरूर उसका पूछे कि सर इसमें क्या आएगा, जरूर उसको हम रिप्लाई करेंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से, ठीक है? तो सभी बच्चों को जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर। इसी तरीके से पढ़ते रहिए, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए।